ढोल नगाड़ों की सीधी आवाज ऐसी हम सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय घोष सुनाई पड़ रहा है, विदेशी सरजमी पर तिरंगा शान से लहराता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के जोहानिसबर्ग पहुंचने की ये तस्वीरें साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहां पर भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ और साउथ अफ्रीका का झंडा, और हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमृतपाल सिंह, हम साफ तौर से देख सकते हैं प्रधानमंत्री का अराइवल। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पर इस वक्त लैंड किए हैं। यहां के साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मैशतिले उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री इस मिलिट्री बेस से रवाना होंगे, पहले अपने होटल आएंगे जहां इंडियन डायस्पोरा जो यहां पर इंडियन कम्युनिटी है वो एकत्रित हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। जैसे अक्सर देखा जाता है जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनमें एक उत्साह होता है, एक चाह होती है, एक एक्साइटमेंट होती है प्रधानमंत्री को देखने की, अगर उनके साथ सेल्फी खिंचा पाए वगैरह।
तो प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए उनसे मुलाकात करेंगे, फिर सीधा प्रधानमंत्री जो बिजनेस फोरम है उससे जो ब्रिक्स बिजनेस फोरम है उसकी लीडर्स मीटिंग पे जाएंगे, में शिरकत करेंगे। उस मीटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री ब्रिक्स अमृतपाल आपसे अमृतपाल आप एक मिनट आप खामोश रखिए, क्योंकि हम एक वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं जरा उसको ऑडियंस के साथ सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। सीधी तस्वीरें आप साथ देख रहे हैं इस वक्त जोहान्सबर्ग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पारंपरिक तरीके